नहीं मिलता है। यह अच्छा कुछ मिलता नहीं मिलता, अबे कुछ नहीं मिलता। अच्छा बात अब भीतर के जो बताऊं मैं तो का बताऊं। अरे विकलांग वाली सीट आपको मिलती है कि नहीं मिलती? पहले नहीं मिलती है। कितना रुपया खर्च किया लगभग इलाज में? लाखन रुपया का खर्चा किए। नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश पाल बांदा। आज हमारी मौजूदगी सतना जिले के और खोही कंदर गांव में है। एक छोटा सा गांव है और यमपी में इसका क्षेत्रफल पड़ता है। और हमारे साथ ये भैया जी मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अभी हम के थोड़ा सा चाहेंगे कि आप प्लीज एक बार खड़े हो जाइए। और इनकी बॉडी किस तरह, कितने जगह से बैंड है, कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं आती होगी इनको अपने लाइफ में काम करने के, और जो भी इनके दिन के आम आदमी की तरह जो फ्यूचर की तरह काम करना पड़ता है, बहुत समस्याएं आती होंगी। और डाइट जानते हैं कि कब से इनको भैया जी को ऐसी प्रॉब्लम्स है और क्या कैसा इनको अपनी दिनचर्या में कैसे काम करना पड़ते हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शंकर यादव। अच्छा शंकर यादव भैया जी का नाम है। और मैं देखता हूँ कैसे हैं आप, ये आपके हाथ भी देखता हूँ एक बार, और कई तरीके से कई जगह से बैंड है, दोनों हाथ, एक हाथ नहीं दोनों हाथ सलामत नहीं है, पैर भी सलामत नहीं है। कैसे आप अपना काम को पूरा कर लेते हैं? कहाँ काम कर पाता हूँ, कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। अच्छा कब से है आपको ऐसी समस्या? ये समस्या बचपन से है। अच्छा बैठ जाइए आप थोड़ा सा। आपको काम का दिन में जो आपके एक हर आदमी के दिनचर्या होती है उसको करने के लिए आपके साथ में या कोई घर वालों का सहयोग लेते हैं या फिर अकेले पूरे कर लेते हैं, मुझे ये बताइए। कुछ काम है सहयोग करना पड़ता है घर वाले के साथ में, नहीं तो कर नहीं पाता हूँ, क्या करूँ, बस फिरता रहता हूँ। अच्छा मैं कई बार देखा हूँ कि बहुत लोगों के कुछ पार्ट आते ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, नहीं किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, बट उनका हौसला जो होता है बहुत मजबूत रहता है और वो पढ़ाई भी करते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए, पढ़े लिखे हैं? हाँ पढ़े हैं दसवीं तक। अच्छा दसवीं तक भैया पढ़े हुए हैं। एज कितनी होगी अभी आपकी? मेरी एज हो गई है 27 साल। अच्छा 27 साल के उम्र हो गई है भैया की। और देखा जाए तो आप इनके शरीर की लंबाई बहुत कम है अभी, कम है। इसका रीजन यही है कि आप ये डॉक्टर के पास इलाज उलाज कराया? नहीं इलाज करा कुछ है, इलाज से कोई लाभ नहीं। अच्छा इलाज से रिस्पॉन्स नहीं मिला कि कुछ सुधार नहीं हुआ शरीर का? कुछ नहीं सुधार। अच्छा तो आप रास्ते से निकलते होंगे, रिलेशन में जाते होंगे, लोग कुछ तुमको बोलते भी होंगे? भला बुरा बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा मजाक उड़ाते हैं? मजाक भी उड़ाते होंगे? खूब उड़ाते हैं। अच्छा क्या करूँ, मजबूरी है, मजबूरी है, शरीर है ऐसा, भगवान ने दिया। हाँ, बना दिया तो क्या करूं। शादी हो गई कि नहीं हुई? नहीं शादी वादी नहीं हुई। शादी कितने भैया हो आप लोग? हम दो भाई हैं। अच्छा दो भाई हैं। अच्छा मैं जानूंगा कि दोनों भाई ऐसे ही हो कि आप लोग कि ए, आप इस पे केवल सिंगल? नहीं, मैं सिंगल हूँ, बस मैं ही भरूं वो। अच्छा घर में और कोई सदस्य की आप मतलब विकलांग? विकलांग नहीं, मैं नहीं है। नहीं मैं। देखो भगवान पेट से ही ऐसे जन्मे हैं और भगवान को बोला जाए या भगवान को दोष तोपा जाए या अपने बुरे पिछले कर्मों के को दिया जाए, बट उन्होंने बताया कि हमारी लाइफ में इतने समस्याएं आती हैं जिसको हम पूरे करने के लिए घर वालों की सहयोग लेना पड़ता है। और अभी हम उनके पिताजी हैं और उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानेंगे, फिर उनसे हम भैया जी से कुछ खास बातचीत करेंगे। राम राम जी दादाजी। राम राम। क्या नाम होगा आपका? प्रीतम। प्रीतम यादव जी। बहुत अच्छा नाम है। आपके बच्चे हैं। आप ऐसा बताइए मुझे, बहुत समस्याएं होती होगी, कैसा लगता है आपके ऐसे ऐसी कंडीशन आपके बच्चे की है, क्या कैसा लगता है आपको? अब वो बात अब भीतर के जो बताऊं मैं तो का बताऊं। अच्छा हाँ जय चाथी में बैठा था, अभी क्या ठीक है, हम कमा के कौनो तन में खवा। बात सही है, है? हाँ, अभी खिला देंगे। हाँ? हमारे पैर चल रहे हैं अभी। अब हाँ बार हमारे चले थी। पिताजी के पैर चल रहे हैं तो उनको अपने बाहुओं में दम है, उठने घुटनों में दम है अभी तक, तो बच्चे को खिलाने की जवाबदारी ले रहे हैं। बट आगे आने वाले समय में क्या होगा? आगे आने वाले समय का सोच रहा हूँ कि कौन देगा पानी इसको। बस
इलाज में अच्छा बहुत रुपए खर्च कर चुके, लाखों रुपए खर्च कर चुके, दादाजी का कहना है कि लेकिन इसके नक्षत्र में अच्छा, कुछ नहीं लिखा था। अच्छा नहीं, वहाँ ले गए जानकी कुंड चित्रकूट, अच्छा वहाँ भर्ती कराया तो ये ना रुका तो आपको कैसे मतलब कुछ जानकारी मिली कि ऐसा ऐसी कंडीशन मतलब हमें बच्चे की कैसे हो गए कुछ मतलब बहुत कुछ जानकारी नहीं मिली है पेटे से है। अच्छा नहीं बहुत लोग होते हैं, मैं एक बार और भैया जी के जैसे कंडीशन में थे उनके पास भी गया हूँ, उनकी समस्या को भी सुना देखा दिखाया लोगों को, बट उनको ये बताया मुझे कि जो गहन क्रिया होती है जो इसके प्रकोप से ऐसा हो जाता है, क्या ये रियल बात है या मतलब अफवाह है, मुझे ये बताइए पहले। ये सही हो सकता है। अच्छा तो हो सकता है जो बात है। अच्छा भाई किस्मत का काम है। हाँ 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 संस्कार इसका बिगड़ा रहा, अच्छा। हमारा भी बिगड़ा रहा, ये फायदा भाया इसका मान्य हुआ। कितने बच्चे हैं? दो दो बच्चे हैं, दोनों सलामत नहीं है, एक सलामत है। हाँ, एक सलामत है। अच्छा ये अपन अब हमारे साथ है, अच्छा अब यही हम चुनाव खबर जब तक जिंदा है ना। अच्छा हाँ जिन्ना जिन्ना हाँ ना, अगर हमारा दम हो ना का सोच रहा तो है। कुछ नहीं मिलता है। अच्छा मिलता कुछ है नहीं मिलता, अभी कुछ नहीं मिलता है। अच्छा गवर्नमेंट के थ्रू अभी आप तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। और आपने फार्म क्यों नहीं अप्लाई किया? वो गवर्नमेंट तो बहुत बोलती है कि मैं विकलांग लोगों की मदद करता हूँ। कई बार हजार बार डाक चुका हूँ, कम से कम जब से पढ़ाई शुरू किया हूँ जब से फार्म वार्म सब डाक चुका हूँ, कोई सुनाई नहीं है मेरी। अच्छा हाँ मैं सतना उतना सब सगले हो आया हूँ। अच्छा सभी जगह मतलब फार्म भी डाल दिया फिर भी कोई सुनाई नहीं है? कोई सुनाई नहीं, सगले जगह हो आया हूँ। विकलांग वाली साइकिल मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली, मैं 10 बार कम से कम 50 बार उसको डाला मैंने। अच्छा हाँ आने जाने में सफर में बहुत दिक्कत होती होगी, खूब दिक्कत। कैसे करते हो? क्या करता हूँ, मजबूरी में जाना पड़ता है मेरे को। वो भी पास भी नहीं बना कि मतलब भाड़ा भी कम न लगाए? पास भी बना था, ओरिजिनल नहीं बना हुआ। अच्छा उसमें भी ले लेते होंगे भाड़ा। हाँ ले लेते हैं। एक बार हमारे भैया जी को पास अवगत कराएं और एक बार जरूर इनके ऊपर नजर रखें, और गवर्नमेंट इनको कोई अभी तक लाभ नहीं दे रही। एक बार मैं फिर शंकर भैया से चाहूंगा कि खड़ा हो जाके दिखाएं किस कंडीशन से चलते हैं, एक बार चला के दिखाएं, कैमरामैन पीछे हो जाए और एक बार चलाने की प्रयास करेंगे किस तरीके से हमारे शंकर भैया जी अपने शरीर को आगे बढ़ाते हैं। और वो भी नहीं मिलती, खड़े खड़े जाना पड़ता है। राम राम राम। कितनी बड़ी गवर्नमेंट के द्वारा इनको गलत का तरीके से इनको यूज कराया जा रहा है, जो इनका हक है वो नहीं दिया जा रहा। आज शंकर भैया का हक है, क्योंकि अगर दुनिया में हर व्यक्ति ऐसे हो जाए तो सभी को आम आदमी की तरह आप सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ पे विकास की बातें, और यहाँ पे जो लोग किसान मजदूर जो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं अपने मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में, कहीं ना कहीं इनके ऊपर नजर रखिए और अपने एक बार इनकी फ्यूचर को देखिए और इनको लाभ दीजिए। जो लड़कियों को दे, लाडली योजना का दे रहे, लाडली योजना दे रहे, बट आपका अधिकार नहीं है क्या मोहन यादव के पास? पता नहीं उनको क्यों नहीं मांगते हैं आप लोग? हम मांग रहे हैं, कई बार मांग कुछ नहीं दे रहे हैं, क्या करें? फार्म डाक कुछ सब कुछ करते हैं। अच्छा हाँ तो नहीं दे रहे तो क्या करें, बता क्या कर सकते हैं, शासन तो बड़ी थोड़ी है। बात सही है। आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से जो गवर्नमेंट से मांगना चाहते हैं अपना हक मांग लीजिए, हो सकता है आपकी मेरी ये आवाज और आपकी ये आवाज हमारे श्री मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास पहुंच जाए और आपके ऊपर नजर पड़े और आपके पास कुछ वो लेकर के आए। दे हमको भी दे कुछ बार वेतन दे हमको। हाँ, हमको साधन चाहिए। हाँ, साइकिल के साइकिलों के हमको भी बैठने न, हम घर रहने के लिए न कॉलोनी दे रहे हैं। अच्छा, न कुछ न हमारी खेती बाड़ी है। अच्छा, बस मजदूर आदमी है, किसान कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी में कर रहे थे, रोटी चला रहे हैं। मजदूरी भी नहीं कर सकते आप? न मजदूरी कर सकते हैं क्योंकि आप रोजनदारी की तरफ से जिस कहीं भी काम करने जाएंगे तो इनको कोई काम में नहीं लेगा, नहीं लेता है काम में, नहीं लेते हैं। क्योंकि नहीं दीजिए उनको इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, ना चाहिए उनको बाइक, बट एक बार क्या चाहिए तुमको? हमको साइकिल चाहिए, हमको हाँ विकलांग वाली साइकिल चाहिए। और ऐसी ही वीडियो मैं आपको दिखाता रहूंगा,
अपने क्षेत्र की। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लव कुश पाल बांदा को सब्सक्राइब करिए। मैं लव कुश पाल बांदा, कैमरामैन जयदीप तिवारी के साथ।